अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची के अचार। ये सब लोग बहुत पसंद करते हैं। इसका मसाला हम मछली में भी डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखिए, ये हमने 1 किलो लाल मिर्च ली है। इसको हम एक दिन सुखा देंगे, धूप में रख देंगे इसी तरीके से। ये देखिए, हमारी मिर्ची सूख गई। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो गया है। ये हमने 10 से 15 लाल मिर्च लिए हैं, 15 से 20। ये हम आधा कप सौंफ लिए हैं, 2 कप हमने धनिया लिया है, 2 कप धनिया लिए हैं, आधा कप हमने जीरा लिया है, 1.25 कप हमने राई ली है, हमने हींग लिया है, 3 चम्मच हमने काला नमक लिया है, 2 चम्मच हमने मंगरेला लिया है, 2 चम्मच हमने अजवाइन लिया है, 2 चम्मच हमने मेथी लिया है। यह हमने एक कप हमने लहसुन लिया है और हम आमचूर लिए हैं 1 कप भर के। हमने नमक लिया है। इतने ही मसाले में हम मिर्ची को बना लेंगे। ये देखिए, और राई का तेल लेंगे। ये देखिए, हम राई को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके इसको फटक के इसका छिलका, ऊपर का परत है, वो निकल जाती है। ये देखिए, राई को हम इतना भुनेंगे कि ये इस तरीके से इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये इस तरीके से फूटने लगती है। अब हम इसी पैन में सौंफ को भून लेंगे। सौंफ को भी इतना भुने ताकि इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये देखिए, लाली पे आ जाए। अब इसी फ्राई पैन में अजवाइन ले लिए हैं, अजवाइन को थोड़ा भून ले। ज्यादा सबको नहीं भुनना है, थोड़ा थोड़ा भुनना है। आप हल्के मीडियम आंच पे रख के और फिर भुने, क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं। अगर मसाले जल जाएंगे तो फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए, सौंफ भून के रखे थे, उसी के अंदर हमने मंगरेला डाल दिया, अजवाइन डाल दिया है। अब हम ये जीरा भून रहे हैं। अब हम जीरे को भी भून के निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका भी कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, इसे भी हमने निकाल लिया है, जीरे को। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल के इसे भी थोड़ा भून लेंगे ताकि ये आराम से पिसा जाए और इसकी नमी खुश्क हो जाए। अब हम इसे भी निकाल लेंगे उसी बर्तन में। अब हम मेथी भूनेंगे। मेथी को भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये आराम से बारीक हो जाए। अब हम धनिया भून लेंगे। धनिया को भी हम धीमी आंच पे आराम से भून के निकाल लेंगे ताकि इसके भी नमी निकल जाए और ये कुरकुरेपन पे आ जाए, ताकि ये आराम से पिसा जाए। ये देखिए, धनिया भी पिस गया है, हम इसे भी निकाल लिए हैं। राई भी हमने पटक दिया है। ये देखिए, दाने इसके अलग हो गए हैं। ये देखिए, हमने एक बर्तन में धनिया जो पीसे थे उसको शामिल किए हैं। ये हम राई शामिल कर रहे हैं पिसी हुई। ये हम आमचूर डाल रहे हैं। हम एक बर्तन में सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये हमने मंगरेला शामिल किया है, इसे हमने सिर्फ भूना है, इसे पीसे नहीं है। ये हम नमक डाल रहे हैं। ये हमारा काला नमक है। ये हमने लहसुन पीस के शामिल कर दिया है। अगर आपका लहसुन नहीं पिसा पाए मिक्सर में तो आप सिरका डाल के पीस सकते हैं, वाइट विनेगर। ये हम इसमें हींग शामिल कर दिए हैं, 1/2 चम्मच आप हींग लीजिएगा, ज्यादा नहीं। ये हम नमक शामिल कर रहे हैं। नमक हम 4 चम्मच ले रहे हैं। आप बाद में मसाले मिलाने के बाद इसका टेस्ट करके देखिएगा कि आपको कितने नमक की ज़रूरत है। अगर आपको कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं।
मिर्ची की भी क्वांटिटी आप बाद में और बढ़ा सकते हैं। यह हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये हमारा छोटा चम्मच था तो हम चार लिए हैं, आप दो या तीन ले सकते हैं बड़े चम्मच से। अब हम राई का तेल इसमें डाल के इसको मिला लेंगे। ये देखिए हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है, ये और राई के तेल को भी डाल के मिक्स किया है। अभी हम और थोड़ा सा राई का तेल डाल रहे हैं क्योंकि हमारे मसाले भरने लायक हों, न ज़्यादा रूखे हों न ज़्यादा चिपचिपे हों। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले हमारे आपस में एक साथ मिल जाए। ये देखिए हमने राई का तेल और डाल दिया है क्योंकि अभी हमारे मसाले में तेल नहीं दिखाई दे रहा है और ये मिर्ची में भरने के बाद बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए हमने आधा कप सिरका लिया है, सिरके को भी हमने शामिल कर दिया है। हम ये मिर्ची के अंदर के दाने, हम मिर्ची को ऊपर से काट के डंटी की तरफ से उसके दाने दोनों हाथ की मदद से मसल के और उसी मसाले में शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारे तेल के बाद मसाले इतने ऐसे होने चाहिए ताकि ये आराम से मिर्ची में भर जाए और हम इसे किसी चीज़ की मदद से, जैसे हमारे पास ये आइसक्रीम की डंटी थी तो हम इसकी मदद से इसे अच्छे से भर रहे हैं। ये देखिए हमने हाथ से इसे पुश किया है, मगर हम इसे लकड़ी से करेंगे तो ये अंदर तक के जो नीचे तक के हिस्से हैं उसमें भी मसाले अच्छे से पोर हो जाते हैं। अगर आप खाली ऊपर से हाथों की मदद से दबाएंगे तो हमारे मसाले नीचे तक नहीं पहुंचेंगे, ऊपर ही तक रह जाएंगे। इसलिए आप देखिए मिर्ची को ऐसे लेकर पहले हाथों की मदद से उसे पुश कर लें मसाले को, उसके बाद लकड़ी की मदद से उसे अंदर तक का दबा दें, फिर उसके बाद और मसाले भर दें और फिर अच्छे से उसे पुश कर दें। ये देखिए बहुत ही आराम से ये भरा जाता है। ये देखिए आप मसाले डालें और फिर लकड़ी की मदद से इसे अंदर की तरफ पुश करते जाएं और फिर मसाले भरते जाएं। ये देखिए हमारे मिर्ची के मसाले, मिर्ची में मसाले हो गए हैं भर के। इसी तरीके से आप सारी मिर्ची के मसाले भर लें। ये हमने 1 किलो मिर्ची लिया था, अब हम इस मसाले को तेल में डुबो के फिर डिब्बे में रखेंगे, ये भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए हमारे सारे मसाले मिर्ची में भर गए हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन बनके ये तैयार होती है। अब हम एक एक मिर्ची को तेल में डुबो डुबो के और जिस डिब्बे में हमें रखना है उसमें हम रख देंगे। ये देखिए आप कांच के ही बर्तन में रखें, कांच के बर्तन में मसाले मिर्ची खराब नहीं होते हैं। इस तरीके से पूरे डुबो के और मिर्ची को रख दें तेल में। पहले हम मिर्ची को ऐसे ही डुबो डुबो के भर देंगे, उसके बाद हम उसमें तेल शामिल करेंगे मिर्ची में, मिर्ची के डिब्बे में। तेल हमें इतना रखना है कि मिर्ची हमारे डूब जाए। तेल में क्योंकि हम तेल की ही मदद से ये मिर्ची हमारे गलते हैं तेल और विनेगर की वजह से।
देखिए सारे मसालों को, सारे मिर्चों को हमने अच्छे से डिब्बे में भर दिया है। हम आपको वापस दिखा रहे हैं कि कैसे मिर्ची को आप तेल में पूर करें। इसी तरीके से आप सारे मिर्चे डिब्बे में भर दें, उसके बाद उसमें तेल शामिल कर दें। ये देखिए हमने डिब्बे में भर दिया है, अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे। ये देखिए हमारा मिर्चे का अचार बनके तैयार हो गया है, और इस आप इसे एक दो दिन के लिए धूप में रख दें। अल्लाह हाफिज़।